गए फिर क्लॉकवर्क इंफोटेनमेंट, और आज तक मैंने आपको दिखा दिया है बहुत सारे वेमेन वियर डिजाइनर कपड़े और अच्छे अच्छे जो कि आपने बहुत पसंद किए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और लेकिन आज मैं कुछ अलग हटके आपको दिखाऊंगी, एक ऐसी जगह आ गई हूँ जहाँ की एक एग्जीबिशन या गेट टुगेदर जो भी आप कह सकते हैं, रियल डायमंड के फैक्ट्री के एक मालिक हैं, ये अपनी फैक्ट्री की रियल डायमंड की 50 साल पुरानी फैक्ट्री है उसका एग्जीबिशन लगाई थी। तो चलिए हम उनसे ही बात करेंगे कि उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट है। तो मैं आ गई हूँ वुड्स क्लब में और अभी हम बात करेंगे डायमंड फैक्ट्री के मालिक श्वेता जी एंड उनके ब्रदर करण जी से, जो कि हमको बताएंगे कि वो यहाँ पर क्यों एग्जीबिशन करना चाहते हैं और किस तरह से डायमंड का हम ज्वेलरी लें और किस तरह से उसकी पहचान करें। हाँ जी करण जी, मैं आपके पास क्या क्या चीज़ें होती है और आप क्या हमें बताना चाहते हैं? हाँ जी, हमारा डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस है, फूलबाग के अंदर हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ जी, हाँ जी, यूनिट है पूरा, वहाँ हम मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा, डायमंड ज्वेलरी डिजाइनिंग डिपार्टमेंट अलग है। अच्छा अच्छा, सब कुछ अलग है। हाँ जी, तो वहाँ हमारी बहुत क्वालिटी चेक होती है। हाँ जी, उसके अंदर जो है और बहुत अच्छी तरीके से डिजाइनिंग करके उसको लूज डायमंड्स हम परचेज करते हैं, गोल्ड परचेज करते हैं। हाँ जी, फिर उसको डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है वो डिजाइन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, फिर उसको हम कास्ट करते हैं। हाँ जी, ज्वेलरी को डायमंड सेट करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट करके रोडियम करके हम वो मार्केट में सेल करते हैं। तो आप कितने साल से इस बिजनेस में हैं? हम इस बिजनेस में अराउंड 40 इयर्स हो गए हमें डायमंड्स के बिजनेस में। बहुत वेरी नाइस। तो हम डायमंड ज्वेलरी में, लूज डायमंड्स में, तो मैं ये देख रही हूँ जी, तो मैं देख रही हूँ आपने यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगाई है, तो उसका आपका क्या पर्पज़ है? हाँ जी, हमारा पर्पस ये है कि गुड़गांव की मार्केट को कैटर करना। भाई हम दिल्ली में काम करते थे, तो हम यहाँ पर गुड़गांव में थोड़ा सा करना चाहते हैं, तो मेरी सिस्टर है वो गुड़गांव में रहती है। अच्छा, ये जो ऑरिक ज्वेलर है, auricjewels.com वेबसाइट है जो हमारा ब्रांड है। हाँ जी, सिस्टर कंपनी ही है ये विजय जेम्स प्राइवेट लिमिटेड, हमारी मेन कंपनी है। तो आप अपने कस्टमर की श्योरिटी के लिए कि ये सही डायमंड है और सही चीज है, क्योंकि ये बहुत महंगी चीज है, तो आप उसके लिए क्या इंश्योरिटी देते हैं? उसके लिए हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं जिसमें डायमंड का कट होता है, स्पेसिफाइड कलर होता है, क्लैरिटी होता है। हाँ जी, उसका उसकी सारी स्पेसिफिकेशन होती है, डायमंड का वेट होता है, जैसे किसी रिंग में कितना वेट का डायमंड है। हाँ जी, तो वो सब लगाए तो क्या क्वालिटी का है, गोल्ड की क्या प्योरिटी है, 14 कैरेट है, 18 कैरेट है, वो सब हम उसके अंदर देते हैं सर्टिफिकेशन। और हमारी रीसेल गारंटी भी होती है हर प्रोडक्ट की। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल गारंटी होती है। और आपका कोई परमानेंट एड्रेस या कोई जहां अगर कोई लेना चाहे? यूनिट और हेड ऑफिस हमारा करोलबाग दिल्ली के अंदर है, करोलबाग बीडनपुरा में है, करोलबाग में। हाँ जी, वहां पर है हमारा शुरू। तो वहां पर आप कितने दिन से है आपका बिजनेस? वहां पर हमें हो गए 35 इयर्स हो गए। 35 इयर्स वहां पर जगह पर। अच्छा अच्छा, तो क्या आप सिर्फ डायमंड में डील करते हैं या गोल्ड वगैरह की ज्वेलरी भी हमारे कस्टमर बनवा सकते हैं? डायमंड ज्वेलरी में डील करते हैं, सॉलिटेयर्स में डील करते हैं, गोल्ड की चेन्स वगैरह में। तो एक अच्छे डायमंड की क्या पहचान होती है करण जी? अच्छे डायमंड की ये पहचान होती है कि उसका मेन बात सबसे पहले तो कलर अच्छा होना चाहिए। अच्छा, और उसकी क्लैरिटी देखी जाती है, जो अंदर से हम आई क्लास से देखते हैं उसमें। हाँ जी, हाँ जी, वो देखी जाती है और फिर कट होता है उसका। तो आपने इसमें एग्जीबिशन में किस तरह के ज्वेलरी लगाई है, मतलब कुछ अलग लगाए हैं हमने, छोटे से बड़े, मतलब अच्छा गर्ल्स से लेके बड़ी लेडीज, किसी को गिफ्ट देना चाहे उसके लिए भी आपके पास कोई ऑप्शन है? सारे पेंडेंट्स, रिंग्स, सेट्स। अच्छा, तो चलिए आप दिखाइए हमें, हम देखते हैं। ये हाँ जी करण जी, ये मैं देख रही हूँ कि कुछ पिंक स्ट्रक्चर आपने बनाए हुए हैं। ये मोल्ड्स हैं, रिंग्स के मोल्ड्स हैं सारे ये। अच्छा जी, ये डाइज है हमारी, जैसे ये एक पर्टिकुलर रिंग का मोल्ड है, तो ये रिंग हाँ जी वैक्स का मोल्ड है, जिसके अंदर ही हम डायमंड कास्ट कर देते हैं, डायमंड सेट कर देते हैं, फिर इसको कास्टिंग कर देते हैं। अच्छा अच्छा, फिर ये जो पिंक है यहाँ पर सारा गोल्ड आ जाता है। अच्छा अच्छा, और जो होल्ड हो रहे हैं इसके अंदर डायमंड्स हम सेट कर देते हैं। अच्छा अच्छा, तो ऑटोमेटिक हमारे पास यूनिट है। हाँ जी, ये मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है फिर इसकी। तो आप डिजाइन पहले वैक्स में बनाते हैं? हाँ, और उसके पहले कंप्यूटर में बनाते हैं। हाँ जी, फिर इसकी डाई बनाते हैं। अच्छा अच्छा, ये डाई है, ये डाई है, ये एक्चुअली डाई है, डिजाइन है, जैसे ये है।
तो इससे ये भरोसा होता है कि आप रियल में मैन्युफैक्चरर हैं और आप बाय करके नहीं दे रहे, आप किसी भी तरह के डाई बना करके उनको डिज़ाइन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो करण जी आप ये जो रख रहे हैं, ये मुझे कुछ ग्लिटर भी लग रहा है। हाँ जी, तो ये देखिए, ये वैक्स का पीस है रिंग का, जो हमारी डाई है इसी के अंदर हमने डायमंड्स को सेट कर दिया है। अच्छा, ये जो बीच में है वो डायमंड दिख रहे हैं। अच्छा, ये डाई है, इसमें आप अपने अब इसी को हम कास्ट कर देंगे तो ये पिंक वैक्स है, ये सारी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी 14 कैरेट येलो गोल्ड के अंदर, या जो भी हम रोज गोल्ड या व्हाइट गोल्ड की बनानी है वो रिंग। तो जहाँ जहाँ पर डायमंड्स हैं वहाँ वहाँ पर गोल्ड आके ऐसे पैक हो जाएगा, तो डायमंड्स वहीं पे ऑटोमेटिक पैक हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इटालियन यूनिट है, इसके इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ज्वेलरी की अलग अलग, देखिए जैसे ये अलग डिजाइन है, ये अलग डिजाइन है, इसके अंदर बीच में कलर स्टोन लगेगा, रूबी लगा लो या जिस तरह के आप चाहे कस्टमाइज कलर कस्टमाइज, ये भी। अच्छा अच्छा, इसमें सॉलिटेयर लगेगा बीच में, वन सॉलिटेयर, ये सॉलिटेयर रिंग का डाई है, वो बाद में लगता है, वो वैक्स में नहीं लगता क्योंकि बड़ा पीस होता है ना। अच्छा, बड़ा पीस होने की वजह से वो बाद में हैंड से सेट होता है वो मैनुअली। हाँ जी, तो ये जो डाई है इसमें बड़े सॉलिटेयर ना लगा के छोटे डाई में लग जाते हैं। ये वैक्स के अंदर ही डायमंड सेट कर दिए हमने। अच्छा अच्छा, उसके बाद हम इसकी ट्री लगा देते हैं, उसकी कास्टिंग कर देते हैं, फिर जहाँ जहाँ पर ये पिंक वैक्स है ना उसकी जगह गोल्ड आ जाता है। अच्छा, तो इसमें क्या आप प्योर गोल्ड यूज करते नहीं, हैं? नहीं, ज्वेलरी कभी भी प्योर गोल्ड में नहीं बनती है, डायमंड ज्वेलरी 14 कैरेट या 18 कैरेट में बनती है। 14 या 18 जनरली अब हम 14 कैरेट में बनाते हैं ज्वेलरी। अच्छा अच्छा, ठीक। ये अलग अलग डिजाइन है जी, ये जो सेट है मैं इसमें कई कलर के स्टोन देख रहा हूं, ये नवरत्न सेट है, डायमंड गोल्ड की का सेट है। अच्छा, ये सारे रियल स्टोन्स हैं इसके अंदर। अच्छा, ये पर्ल्स लगा रखे हैं हमने नीचे, ये डायमंड्स हैं, ये वाले ये डायमंड्स हैं सारे। अच्छा, ये बड़े डायमंड गोल्ड की जो चलती है ज्वेलरी, रजवाड़ो टाइप का सेट है ये। अच्छा, ये भी हम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा अच्छा, ये डायमंड लगे हुए हैं इसमें, ये तो एमराल्ड है, ये एमराल्ड है, ये डायमंड है, ये मूंगा है, ये ब्लू सफायर है, सफायर, ये कैट्स आई है, ये रूबी है, रेड। वाओ, ये बहुत ही अच्छा डिजाइन है, ये और ये है इसके साथ के इयररिंग। और ये कितने कैरेट गोल्ड में बने हुए हैं? ये जो है ऊपर तो इसका कुंदन की जो सेटिंग होती है डायमंड की, ये प्योर गोल्ड में होती है। हाँ जी। और पीछे 18 कैरेट है, ये 18 पीछे से ऐसा होता है, ये पीछे 18 कैरेट है। हाँ हाँ हाँ, और ऊपर जो इसकी और सेटिंग इसकी है, ये जो मेकिंग होती है वो उसमें फर्क होता है कुछ, क्योंकि इसमें कई तरह के स्टोन है, पर्टिकुलर डिजाइन की मेकिंग ज्यादा होती है क्योंकि इसमें मेहनत का बहुत काम है। अच्छा, ये कारीगर को काफी टाइम लगता है, अराउंड 1.5 से 2 महीना लग जाता है ऐसे टाइप का सेट बनाने में ये कारीगर को। हाँ, तो दोस्तों ये देखिए कुछ डिजाइन है ये लोग लगा रहे हैं, एग्जीबिशन के लिए ये लोग तैयार हैं, और ये कई तरह के गहने हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ चलिए पास से। ये कुछ अंगूठियाँ हैं जो गोल्ड की बनी हुई हैं, डायमंड में हैं, एलिगेंट डिज़ाइन है सारे जो आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है जो मुझे बहुत पसंद आया है, पिंक एंड वाइट, पिंक रूबी एंड वाइट डायमंड में, ये दूसरी रिंग है, और ये एक ब्लू कलर की रिंग है, और ये बहुत सारे देखिए, ये कुछ डायमंड के हार हैं, और ये कुछ सेट हैं जो डायमंड के हैं। ये सेट डायमंड का है जो बहुत ही खूबसूरत है, ये इनके अपने होम प्रोडक्शन में है, और अपना ये देखिए, ये कुछ एक यूनिक डिज़ाइन है जिसमें श्री कृष्ण भगवान बने हुए, और ये एक रिंग है, ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो फिर आगे चलते हैं चलिए, और मैं आपको दिखाती हूँ और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें। देखिए ये कुछ रिंग्स हैं, ये एक कृष्ण भगवान की बनी हुई है, काफ़ी अच्छा काम है, और देखिए कितने बारीकी से इस पर मोर भी बनाया हुआ है, और इसको आप किसी भी फंक्शन में पहन सकते हैं, बड़ा रिंग है। और ये रिंग्स देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये सारे आइटम हैं, और ये एग्जीबिशन की तैयारी हो रही है, और ये काफ़ी महंगे आइटम हैं, तो इनको बड़े सावधानी से ये लोग विद टैग, देखिए आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, विद टैग हैं, और ये बड़े यूनिक डिज़ाइंस हैं।
इनको आप किसी भी ओकेज़न में छोटे बड़े अपने हिसाब से ले सकते हैं। साइज़ ये आपको बना के भी दे सकते हैं, आप जो चाहें वो पसंद करें। देखिए ये एक पेंडेंट है राधा कृष्ण का और ये मेरा सबसे फेवरेट है। ये प्योर गोल्ड में बना हुआ है। ये 18 कैरेट और 14 कैरेट गोल्ड में बनते हैं क्योंकि डायमंड 18 और 14 कैरेट गोल्ड में ही बनता है। ये देखिए कुछ मंगलसूत्र है एंड ये कुछ ब्रेसलेट है जो कि डायमंड के बने हुए हैं। ये भी 14 कैरेट में और गोल्ड के हिसाब से डायमंड के हिसाब से ये आपको पूरी शुद्धता बताते हैं, पूरा सर्टिफिकेट देते हैं और आपको पूरा अपनी दुकान का पूरा कार्ड वगैरह देते हैं जिससे आपको इसकी सही होने की पूरी गारंटी मिल जाती है। और ये एक खूबसूरत जो इनका बेस्ट सेलर है ये इनका ब्रेसलेट है जो वाइट है और एक रोज़ गोल्ड में भी है और ये इनका बेस्ट सेलर है जैसा इन्होंने बताया। देखिए ये बहुत सारे गहने मैं आपको पूरे साथ के साथ दिखा देती हूँ कि क्योंकि एक साथ इतने सारे प्रोडक्ट हैं, सारा एक एक करके दिखाना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप देख सकते हैं। और आप जानते हैं क्योंकि ये ज्वेलरी का मामला है तो ये बहुत सारा ला भी नहीं सकते थे एग्जीबिशन में, ये उतना ही लगा पाए। और अगर आपको लेना है तो इनकी शॉप पे करोल बाग जा सकते हैं, वहाँ जा करके आप आराम से अपने इत्मीनान करके पूरा देख के परख के अपने हिसाब से फिर खरीद सकते हैं शादी के लिए, पार्टी के लिए। और ये कुछ डिस्काउंट भी कर देते हैं। और ये देखिए कितने खूबसूरत ईयरिंग है, ब्लू कलर में है, इसमें ये ब्लू कलर का स्टोन लगा हुआ है, साथ में डायमंड का कट वर्क है, ये बहुत खूबसूरत है। और ये ड्रॉप ईयरिंग है जो इसके साथ सेट भी मिल जाएंगे। ये कुछ बैंगल्स हैं और ये बैंगल दो में है और ये जोड़े में है, इसको आप ले सकते हैं। कुछ मोटे बैंगल्स भी हैं जो लोग काफ़ी मोटे पसंद करते हैं उनके लिए मोटे बैंगल भी हैं। और ये डायमंड के बने हुए हैं, बीच में इनमें रूबी लगा हुआ है। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, तो आप इनसे ख़रीद सकते हैं जैसा आप चाहें वैसा। आप इसमें और दूसरा कलर का पत्थर भी लगवा सकते हैं। देखिए कुछ लोग काफ़ी खुश हैं इस एग्जीबिशन को देख करके। और आपको ज़्यादा प्रोडक्ट देखना और ज़्यादा अपने पसंद का कुछ फेर बदल या कुछ कराना है तो आप इनकी शॉप पर जा कर के करोल बाग में हैं और कर सकते हैं। और मैं आपको इनका नंबर भी दूंगी, आप फ़ोन पे इनसे बात भी कर सकते हैं। इनका ऑनलाइन भी है और ऑर्किड ज्वेलरी के नाम से। ये देखिए ये काफ़ी खुश हैं। ये रिंग बहुत स्पेशल है, अलग ही है। जब आप इसको बंद करते हैं तो बटरफ्लाई खुलती है और बंद होती है। ये प्योर गोल्ड में और डायमंड इसके चारों ओर लगे हुए हैं। तो ये पूरा फ्रेमिंग जो है इसके अंदर, ये सारा फ्रेमिंग जो है सारा गोल्ड है, ग्लास के अंदर डायमंड्स सेट करे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसके अंदर। हाँ जी, बड़ी यूनिक मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, क्रिएटिविटी है इसके अंदर। हर कोई अच्छा हर अल्फाबेट पहनने में भी मतलब कोई ये जनरली मार्केट में मिलेगा भी नहीं। अच्छा अच्छा, इस तरीके से यूनिकली है। अच्छा 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 अच्छा, ये हम बनाते हैं काफ़ी टाइम से, बहुत हमारा चलता है, बहुत सेल होता है। अच्छा अच्छा, तो इसमें कितना गोल्ड हो जाता होगा? अप्रोक्सीमेट 1.5 ग्राम के आसपास गोल्ड होगा, बाकी डायमंड्स हैं इसके अंदर। बाकी डायमंड उसकी मेकिंग होती है काफी। और डायमंड का साइज मतलब छोटा बड़ा नहीं है? अप्रोक्सीमेट 1/2 सेंट का 1 डायमंड है। ओके, हाँ, ये बहुत एलिगेंट। इसमें इयररिंग या रिंग भी बनवा सकते हैं? नहीं नहीं, इसमें खाली पेंडेंट, इसमें खाली पेंडेंट बनते हैं क्योंकि ये फ्रेमिंग वर्क है इसके अंदर और इयररिंग बनाने में प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए दोस्तों ये कई तरह के ज्वेलरीज हैं और ये आपको सारे सर्टिफिकेट, सारे पेपर और आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आप इनसे संपर्क करें। आपको सेटिस्फाई करके सारा इसका जो प्योरिटी है गोल्ड का जितना भी है आप उसको करके इसका सर्टिफिकेट लेके इसका बिलिंग प्योर का बिलिंग लेके आप इसको खरीद सकते हैं। और ये आपको घर आकर भी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब मैं इनका नंबर आपको दूंगी और आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और डायमंड में ये काफ़ी पुराने हैं, ये सर्टिफिकेट भी देंगे। ये वेस्टर्न, इंडियन सब तरह के छोटे बड़े शादी के लिए हर तरह की ज्वेलरी बनाते हैं और ऑनलाइन भी इनका चलता है, तो आप देख सकते हैं जाकर और इनसे संपर्क कर सकते हैं। और देखिए एग्जीबिशन काफ़ी अच्छी चल रही है। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।